नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा और आप देख रहे हैं इंस्ट्रक्शन फॉरम। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखेंगे विंडोज अपडेशन जो ऑटोमेटिकली ऑन रहता है या इनेबल रहता है, उसको हम लोग कैसे डिसेबल करेंगे या तो फिर बंद करेंगे। अगर आपका भी सिस्टम ऑटोमेटिक अपडेशन चल रहा है तो आप कैसे इसको ऑफ कर सकते हैं, आज हम इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने स्टार्ट मेनू पे आने के बाद कंट्रोल पैनल पे जाएंगे। हम सबसे पहला जो आएगा एक्शन सेंटर पे क्लिक करेंगे और आप नीचे देख सकते हैं विंडोज अपडेट, इसका ऊपर क्लिक करेंगे और चेंज सेटिंग के ऊपर क्लिक करेंगे। इंपोर्टेंट अपडेट्स में आप ऑन है, हम इसको अभी क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद नेवर चेक फॉर अपडेट के लिए क्लिक करेंगे। नीचे जो रिकमेंडेड अपडेट, इसको क्लोज करेंगे, अनचेक कर लेंगे। यहाँ पे हु कैन इंस्टॉल अपडेट, इसको भी अनचेक करेंगे और इसको ओके कर देंगे। इसके बाद हम लोगों का दूसरा तरीका और एक है, आप देख सकते हैं ये मेरा अभी क्लोज हो चुका है। अभी हम दूसरे तरीके में जाएंगे, स्टार्ट मेन्यू, कंट्रोल पैनल, एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स के ऊपर क्लिक करेंगे, कंपोनेंट्स, सर्विसेज के ऊपर क्लिक करेंगे। इसका सिस्टम का जो सर्विसेज होता है उसके ऊपर हम लोग जाएंगे। सेकंड में आप सबसे लास्ट में दिखाई दे रहा है सर्विसेज, इसका ऊपर हम क्लिक करेंगे और इसको बड़ा कर लेते हैं और नीचे आते हैं। सीधा आप डब्लू प्रेस करिए कीबोर्ड के ऊपर तो हम लोग जो अल्फाबेट के हिसाब से आ जाएंगे। तो यहाँ पे विंडोज अपडेट का दिया है, इसको डबल क्लिक करेंगे, ओपन करेंगे। यहाँ पे ऑटोमेटिक डिले स्टार्ट दिया हुआ है, इसको स्टॉप करेंगे और ये स्टॉप हो चुका है। अभी हम इसको मैन्युअली इसको भी डिजेबल कर देंगे। डिजेबल करने के बाद अप्लाई करिए और इसको ओके कर दीजिए। इसके बाद आपको इसको क्लोज कर देना है और आपका जो सिस्टम है अपडेशन फुल्ली अभी ब्लॉक हो चुका है, यानी कि डिजेबल हो चुका है। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए।